तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह का इमेज जनरेट करना चाहते हैं और आप इस तरह का इमेज जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टाइप के इमेज को कैसे जनरेट कर सकते हो। सो वीडियो को एक सेकेंड भी मिस मत करना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको चले आना है गूगल क्रोम पर और आपको यहाँ आने के बाद सर्च कर लेना है बिंग AI इमेज क्रिएटर। सो आपके सामने ढेर सारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। सो सिंपली आपको इसमें से फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एंड गाइस, अगर आप इसमें इमेज जनरेट करना चाहते हैं तो आपको इसमें टेक्स्ट लिखना होता है। सो हमने एक टेक्स्ट को ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, जिसे हमने पेस्ट कर दिया है। एंड गाइस, अगर आप इस टेक्स्ट मॉडिफाई भी करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कर सकते हो। सो हमने यहाँ पर ब्लेजर के कलर को रेड लिया है, तो आप अपने पसंद का ले लेना। एंड यहाँ पर आप इस नेम को कट करके अपना नेम लिख सकते हो। सो इतना कर लेने के बाद आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। सो इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, जब तक इमेज जनरेट हो रहा है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इमेज जनरेट होकर आ चुका है। सो आपको जिस इमेज को डाउनलोड करना है, आपको उस इमेज पर क्लिक कर देना होगा। तो आपको उस इमेज के नीचे 3 डॉट का आइकन मिल जाएगा। सो आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना होगा और यह इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। एंड गाइस, आप इसी तरह किसी के भी नेम का इमेज बहुत ही आसानी से जनरेट कर सकते हो। अगर आपको इस तरह का इमेज जनरेट करने में कोई भी परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल एवं इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।